हाँ जी, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज पैक। तो आपको ऐसे दो लाइंस लेनी है, इक्वल्स लेनी है लाइंस हमने, तो हाँ ऐसे ही। और उसके ऊपर थोड़ी अंदर से थोड़ी थोड़ी लाइन लगानी है डैश जैसे। वेरी नाइस। अब इसको कर्व लाइन से यहाँ पे थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि मैं एक ही पेज पे बना के दिखा रही हूँ। आप बड़ा भी ऐसे ही बना सकते हो। कल से वैसे मैं बड़े से ही सिखाने वाली हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही फर्स्ट डे था तो ऐसे ही बनाने की ट्राई किया, तो कल से मैं बड़े पेज पे बड़ा साइज़ का बनाऊँगी। लेकिन आज ये आप जो देख रहे हैं इसको आप बड़ा भी बना सकते हो। हाँ जी, तो अभी इसमें फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है हमें। आप देख रहे हैं जैसे कि ये दो लाइंस लेकर ऊपर से बंद कर दो और ये हमारी फ्रेंच फ्राइज़ बननी है, जो कि हमें इसे बंच में बनाना है। तो पहले आप ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ को ड्रॉ कर लें। अभी नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, एक बंच बनाने के लिए जैसे ये छोटी वाली फर्स्ट है, इसके शोल्डर से स्टार्ट करना है। ऐसे डैश लगाकर एक लाइन नीचे को लगा देनी है और सेम ऐसे ही इसके ऊपर एक लाइन लगानी है और एक डैश से दूसरी फ्राइज़ के साथ मैच कर दूँ। तो ये बनता है हमारा पंच फ्राइज़ का। तो सेम इसी वे में हम और भी बना लेंगे। कर सकते हैं जैसे कि यशिका बना रही है, बहुत अच्छे से बना रही है। वेरी नाइस। देखो इसने अपने आप से खुद से बनाया। और अभी आके जैसे कोई कमी लग रही हो तो आप इधर एक और बना सकते हैं फ्राइज। तो अभी बारी है आइस की। गाइस, आइस के लिए हम बिल्कुल इसके नीचे की साइड दो सर्कल बना लेंगे और सर्कल के अंदर दो सर्कल बनाएंगे आइस, क्यूट आइस बनाने के लिए। अभी इसके अंदर हमें छोटे छोटे सर्कल हो गए और बाकी का जो एरिया है सर्कल के बाहर का बड़ा सर्कल वाला, वो हम कलर कर देंगे। तो देखिए कितनी क्यूट क्यूट आइस बन चुकी हैं। अब इधर लगा कलर कर देंगे। मुझे ये आइस बड़ी पसंद है। और यहाँ पे सेंटर में लाइन लगा के हम यू शेप से इसका माउथ और टंग बनाएंगे। आप चाहे तो लैशेस भी लगा सकते हैं थोड़ा गर्ली लुक देने के लिए। मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये शिखा को बड़ी पसंद है। अभी हमारा ये पैकेज तैयार है, फ्रेंच फ्राइज पैक पूरी तरह से तैयार है। ओ, यशिका ने भी बड़ा अच्छा बनाया है। वाओ, इसने ये टंग बनाई है। देखो सेंटर में यू शेप देके सेंटर में लाइन लगा के इसने टंग बना दी है और बड़ी प्यारी फ्रेंच फ्राइज बनाई है इसने। मुझे अच्छी लगी यशिका वाली, कितनी क्यूट आइज है, कैट आइज। तो चलिए अब बारी है कलर करने की। तो अभी हम इसको रेड और येलो कलर से करेंगे। पहले रेड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कलर हो चुका है हमारा और मैंने इसके ना ब्राउन आईज की है क्योंकि ब्राउन कलर से किया। मेरे पास ब्लैक खत्म हो चुका था लेकिन अगर ब्लैक से बनती तो और भी उभर कर आती। मैं यही कहूँगी कि आप जरूर ब्लैक से बनाएं ये सब आउटलाइन और ब्लैक से, ब्लैक स्केच से ही ड्रॉ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी मैं येलो कलर करने जा रही हूँ इसको। हाँ जी, अभी हमारी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं, रेडी टू ईट। आप खा नहीं सकते बट इसको।
बहुत अच्छे से बन चुकी हैं। आप ज़रूर बनाना और मुझे वीडियो या पिक्स ज़रूर भेजना इसकी, जैसे भी बनाए इनबॉक्स कर देना। मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो और ये गिफ्ट बॉक्स है, आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं, आप दोनों को अच्छे से बनाना।